यहाँ के लोगों से मिले जुले हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। खुल के वादियों का लुफ्त उठाया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये नैनीताल तो बहुत प्रसिद्ध है, उत्तराखंड का दिल है। उत्तराखंड का दिल है। कैसा लग रहा नैनीताल में घूम के? एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया है। क्या नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ तनुजा। पहले तो आप सभी को न्यूज 31 परिवार की तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आप मेरे पीछे देख के आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि हम कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम झीलों की नगरी नैनीताल में मौजूद हैं, जिसकी चर्चा देश विदेश तक है। और इसकी खूबसूरती की चर्चा का कोई जवाब नहीं है, अगर बात उस पर न्यू ईयर की आ जाए तो भाई फिर तो कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पे नैनीताल जो है वो पूरा पर्यटकों से पैक हो चुका है और कारोबारियों के चेहरे भी यहाँ पे खिल उठे हैं। देख सकते हैं आपको, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ की भीड़ भी मैं आपको दिखाऊंगी किस कदर नैनीताल में भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही लगातार यहाँ पे भीड़ जो है उसका आलम है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और कहाँ कहाँ से इस बार लोग आए हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाती हूँ। चले मेरे साथ। सर आपका नाम? महेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? नीलोखड़ी करनाल से, हरियाणा से। हरियाणा से आए। तो मेरा एक छोटा सा सवाल होगा कि उत्तराखंड और नैनीताल क्यों चुना आपने इस बार न्यू ईयर मनाने के लिए? हमारे यहाँ ना हर साल हम शिमला जाते हैं। हाँ। तो अब की बार हमारे यहाँ आना चाहा, अच्छा लगा के। अच्छा लगा, मजा आ रहा। तो क्रिसमस के लिए अभी आप एंजॉयमेंट करने आए हो यहाँ पे या न्यू ईयर तक यहीं? नहीं, हम ज्यादातर अपने मेंबरों को साथ लेके आए हैं। अच्छा, सबको साथ में लेके। हमारे वहाँ पे ना 27 तारीख का चुनाव है। अच्छा, इसलिए सभी मेंबरों को साथ लेकर आए। अच्छा, सभी न्यू ईयर की पार्टी इस बार नैनीताल में ही हो जाए है। बिल्कुल, नवे साल की तैयारी चल रही है और पूरा परिवार भी है, यार दोस्त भी आए हैं और आज 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, पूरा मजा आनंद ले रहे हैं। क्या क्या किया 3-4 दिन के अंदर? बस घूमे, अजी वादियाँ देखी हैं और आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ के लोगों से मिले जुले हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। खुल के वादियों का लुफ्त उठाया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम ज्यादातर इसलिए आए ना, हम अपने मेंबरों को कहीं कि ये ना कर ले, कोई किडनैप ना कर ले। अच्छा, हम उनकी देख रेख के लिए मेंबरों को साथ रखे हुए हैं, कुछ मेंबर उधर खड़े हैं। अच्छा, और इसीलिए एक होटल में सभी को रखा है एक जगह। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की, आपको भी। आपको भी हैप्पी क्रिसमस। माय नेम इज शिव खन्ना। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहांपुर यूपी से आया हूँ। अच्छा, तो कितने दिनों से आप नैनीताल में? आज ही आए हैं और क्रिसमस मनाने आए हैं। हमारी बेटी का क्रिसमस पे बर्थडे होता है। हाँ। तो हम कहीं ना कहीं जाके मंदिर मनाते हैं। अच्छा, आपकी बेटी को भी हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। वो अभी टूर करने गई है, अभी घूम के आ जाएगी। कल हम जाके उसकी बर्थडे कैची धाम में मनाएंगे। कैची धाम में मनाएंगे, जिसकी बहुत ही मान्यता है, ये सभी को पता ही है। तो एक बात बताइए, नैनीताल जैसे उत्तराखंड, तो ये नैनीताल तो बहुत प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का दिल है। उत्तराखंड का दिल है। तो बस मजा आ गया यही सुन के। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे भी हम लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे नैनीताल में भीड़ अभी बहुत है और यहाँ जो लोगों के चेहरे है ना वो बहुत ज्यादा खिले हुए हैं। तो हमें भी बहुत मजा आ रहा है इन लोगों से बात करने के लिए क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये लोग आते हैं और उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हैं और उत्तराखंड में ऐसी ऐसी जगहों पे ये लोग घूमने आते हैं तो उत्तराखंड के लोगों का भी मनोबल इससे बढ़ता है। सर आपका नाम? नरेंद्र चौहान। कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ, यूपी से, उत्तर प्रदेश। क्रिसमस मनाने? हाँ, मान सकते हैं कि क्रिसमस मनानी है। मजा आ रहा है इस बार? बिल्कुल ओके, बहुत नैनीताल में नैनीताल मचा देंगे। हाँ, धूम मचाने आए हम लोग सब। अच्छा। अभी हम हाँ। अपना एक JPY लेकर के आए हैं यहाँ पे। अच्छा। JPY टोकन। अच्छा। आप सभी लोगों को देकर के जाने वाले हैं। अच्छा, देके जाने वाले हैं, ठीक हो गया। आप लोग सब वहीं से? हाँ, हम लोग सब वहीं से हैं और हम लोग करीब 200+ लोगों का ग्रुप है यहाँ जो आया है। 200 लोगों का? जी जी जी। जय JPY। तो इतने लोग आए हुए हैं, आगे भी बढ़ते हैं। हेलो मैम। हेलो, मजा आ रहा है नैनीताल में? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी हमारे खूबसूरत से उत्तराखंड में बसे हुए छोटे से शहर नैनीताल के बारे में, जो शहर तो छोटा है लेकिन फैला बहुत है। हां जी, मैं पहली बार विजिट कर रही हूं, इट्स अमेजिंग यू नो। अच्छा, मजा आ रहा, आगे आएंगी? हां जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। तो खुश हैं ये लोग, आगे भी बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको भीड़ नैनीताल में बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि नया साल भी एक ही बार आता है, क्रिसमस भी साल में एक ही बार आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए। तो एक नजर मैं आपको यहाँ पे वोटिंग की तरफ भी दिखाना चाहूंगी जहां पे यहाँ पे खचाखच जो है वो लोग भरे हुए हैं और जो दौर है लोगों का आने जाने का वो भी लगातार है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। कहाँ से हैं मैम?
हम लोग अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से इस बार क्रिसमस मनाने नैनीताल में हैं। हाँ। इस बार नैनीताल को ही क्यों चुना, क्योंकि अमूमन होता है ना लोग जो नज़दीक नज़दीक की लोकेशन देखते हैं और इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, वो दो दिन की छुट्टी थी ऑफिस की तो सोचे घूम ले, और घूमने में सर्च लिस्ट में सबसे पहले आता है नैनीताल। यस, अच्छा लगा। कनेक्टिविटी भी अच्छी थी, हमें आने के लिए काफ़ी ईजी था। अच्छा अच्छा लग रहा नैनीताल में? बहुत बढ़िया। अच्छा दोबारा आएंगे मतलब? सोचेंगे, अभी तो देख ही रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा ही देखा, वैसे भी आ रखे हैं पहले, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अच्छा पहले आए हुए हैं मतलब ये लोग, लेकिन न्यू ईयर और क्रिसमस पे ना यहाँ पे अलग ही रहता है तो इसलिए लोग ज़्यादा भी आते हैं ना। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है नैनीताल, दोबारा जरूर आएंगे। तो देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और वोटिंग की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी लगातार जो है वो लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे वोटिंग का लुफ्त उठाते हुए। नैनीताल की झील भी इस समय भरी हुई आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि कई जगहों से जो है यहाँ पे अभी लोग आए हुए हैं। तो काशीपुर के भी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। मजा आ रहा? बहुत अच्छा। फोटो मारो आप। इसीलिए तो वाइट दे रही हूँ। और बताओ फिर कैसा लग रहा नैनीताल में घूम के? एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत चिल लग रहा है। मतलब थोड़ी सी ठंडी है लेकिन एहसास नहीं है ना बिल्कुल? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं, मन है कि दोबारा फिर आए। अपना भाई उत्तराखंड तो होता ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया है। क्या बात है, थैंक यू। बाकी का मैम ये सब और ग्रुप एक ही है हमारा, अभी आधा विजिट कर रहा है अंदर, और बाकी के सारे उधर कोने पहुंच चुका है सारे लोग। तो बिल्कुल ये अपना एक ग्रुप बना के यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पर है क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस बढ़ाने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, यहाँ पे फुल इंजॉय नैनीताल की वादियों का यहाँ पे लिया जा रहा है, और ले भी क्यों ना, क्योंकि नैनीताल की खूबसूरती इस कदर है। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने इस बार किस तरीके से नैनीताल में चहल पहल देखने को मिल रही है, और जो भी यहाँ पे पर्यटक इस बार घूमने आए हैं उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हो भी क्यों ना, साल में एक बार क्रिसमस आता है और एक बार न्यू ईयर होता है, तो जिसके चलते इस बार नैनीताल जो है पर्यटकों से फुल तो है ही, और यहाँ पे जो चेहरे हैं पर्यटकों के वो इस बार देखने लायक हैं, कितनी खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। तो आप भी जहाँ भी हैं नए साल का क्रिसमस का जश्न भरपूर उठाइए, और हो सके तो नैनीताल की वादियों में आकर यहाँ का लुत्फ़ जरूर उठाए। तो कैसा लगा आपको इस बार नैनीताल का नज़ारा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाकी आते रहेंगे आपके बीच कैमरामैन संतोष के साथ, मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, नैनीताल।